सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारी इस निरंतर स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारे शरीर से संबंधित एक समस्या को लेकर उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हासिल करते हैं। बड़े हर्ष के साथ आप सभी का जो स्नेह अब तक प्राप्त होता आया है, श्रृंखला को निरंतर जारी रखने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, प्रोत्साहन है। कहते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, अवयव है, वह है त्वचा, स्किन। स्किन हमारे सौंदर्य का परिचायक है। जितनी कांतिमय और चमकदार स्किन होती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास उतना ज़्यादा होता है। कहीं अगर इसमें मलिनता आती है, निकृष्ट किस्म की होती है, व्यक्ति अपने आप को दबा सा महसूस करता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से स्किन आपकी बीमारियों का मिरर है, आईना है। अंदरूनी कोई बीमारी हो तो उसकी झलक आपकी स्किन पर दिखाई पड़ती है। और इस सौंदर्य के प्रति हमारी जागरूकता नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था पर तक दिखाई देती है, जब माँ अपने शिशु की त्वचा को कांतिमय बनाने के लिए तरह तरह के तेल, उपटन, लेई का इस्तेमाल करती हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इसी त्वचा विषयी समस्याओं को लेकर हमारे बीच जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, वे अमरावती शहर के जाने माने वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जी अग्रवाल हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यों तो शहर में ये परिचित चेहरा है, फिर भी कर्तव्य के नाते इनका परिचय कराना मेरा काम बनता है। डॉक्टर संजय जी अग्रवाल, इन्होंने अपनी अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से की है। इन्होंने इसराइल में त्वचा विषयी विशेष प्रशिक्षण हासिल किया है और अमरावती स्थित पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर ये इस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। राजकमल स्थित अपने क्लिनिक में ये अपने पेशेंट को निजी सेवाएं देते हैं। और बड़े हर्ष के और गर्व की बात है, डॉक्टर संजय जी ने अपने कई शोध प्रबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में न केवल खुद का बल्कि अमरावती का नाम रोशन किया है। MBBS के स्टूडेंट्स के साथ में ये MD के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और कई वर्षों से इनके हाथ के नीचे कई MD स्टूडेंट्स निकले हैं। सर, विषय पर आते हैं। और एक बहुत कॉमन सी एक समस्या होती है, खासकर युवा वर्ग में, कि उनके चेहरे पर छोटे छोटे ऐसे दाग दिखाई देते हैं, जैसे कोई तारुण्य पीड़िका बोलते हैं, कोई एक्ने बोलते हैं, कोई मुरुम बोलते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे ये होते क्या है। मुरुम, मुहासे या एक्ने, और ये आज सबसे ज़्यादा कॉमन आज प्रॉब्लम स्किन में जो है, ये प्रॉब्लम है। आज 10 साल से लेके तो 45 साल तक के सारे जो एडल्ट हैं, उन्होंने कम से कम 70-80% लोगों में एक्ने और पिंपल्स किसी न किसी एज में, किसी न किसी दौर में उनके देखा गया है। अब एक्ने का जो कारण है, हम सब जानते हैं कि एक्ने जो एक पर्टिकुलर उम्र में होती है, 9 साल से लेकर तो 45 साल तक। इस चीज़ में जो होता है, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, उस हार्मोन से हमारे शरीर में हम जो तैलीय त्वचा जो बोलते हैं, तैलीय त्वचा क्या है, ये सेबम। सेबम एक केमिकल है जो कि सिक्रेट होता है बॉडी में। इस सेबम सिक्रेट होने के बाद इसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो केमिकल चेंजेस करके ये एक्ने होते हैं। ये एक सामान्य एक्ने जो होती है, सामान्य पिंपल्स है, उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी दवाइयाँ, लगाने की दवाइयाँ, पेट में खाने की दवाइयाँ, लगाने के लिए बहुत से लोग जो क्रीम लगाते हैं, गोरा होने की क्रीम लगाते हैं, इसके साथ साथ चेहरा बेहतर होने की क्रीम लगाते हैं, चाहे वो किसी फ्रेंड ने बोली हो, चाहे किसी पार्लर ने बोली हो, चाहे उन्होंने किसी गूगल में सर्च करके किया हो, इन सारी चीज़ों से भी एक्ने और पिंपल्स का प्रादुर्भाव हो सकता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कोई एक अलग तरह का फेशियल किया गया है, कोई नई तरह का फेशियल किया गया है, वैक्स किया गया है गलत तरीके से, उस वैक्स के कारण भी पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं। इसके अलावा TB की दवाइयाँ और एपिलेप्सी की दवाइयाँ, इनके कुछ मरीजों में भी पिंपल्स हो सकते हैं।
इसके साथ साथ हमारे जो यंग जो लड़के हैं जो जिम जाते हैं, तो हमने देखा है कि इनको प्रोटीन पाउडर और ये शरीर बनाने के लिए, मसल मास बनाने के लिए बहुत सारे ली जाती है। इन प्रोटीन्स में भी स्टेरॉइड्स का प्रमाण प्रूव किया गया, और हम देखते हैं कि जब ये बच्चे शुरू करते हैं तो ना कोई उनकी जो बॉडी तो बनती है, साथ साथ ही पिंपल्स भी बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा आखिरी में हार्मोन्स के चेंजेस जो होते हैं महिलाओं में, जो मेरी पीरियड्स का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ पिंपल्स के साथ साथ मोटापा, पीरियड्स बराबर नहीं आना और ब्लैकनिंग और चेहरा काला होने, सारी चीज़ दे सकते हैं। तो ये सब हो गए पिंपल्स के होने के कारण। अब पिंपल्स कैसे दिखते हैं, हम देखते हैं कि पिंपल्स की जो अगली शुरुआत होती है, यहाँ देख रहे हैं कि चेहरे के ऊपर छोटे छोटे बूंदकें दिखती है लाल रंग के। अब बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये तो आती रहती है, लेकिन इसके बाजू में हम लोग देखते हैं कि इसके बाजू में जो दाग पड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ है कि बूंदकें बाद में दाग छोड़ के जाएगी। अब ये जो दाग हैं, इनका इलाज बड़ा मुश्किल, खर्चीला और पूरा 100% नहीं है। इसलिए इसी स्टेज पर पिंपल्स को पहचानना और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी अगली स्टेज हम देखते हैं, इस स्थिति में पिंपल्स को वाइट हेड्स और ज़्यादा पिंपल्स और स्किन ऑयली होना, ये सब शुरू हुआ है। इसकी अगली स्टेज हम देखते हैं, इसमें अब इन दानों के साथ साथ कुछ जो बूंदे हैं वो पीली हो गई हैं, इसमें पस बनने लगा है, इसके साथ साथ में कुछ लाल दाग भी छोड़ने लगे हैं। इसके आगे देखते हैं कि ये फॉर्चुनेटली किस्मत से बहुत कम बच्चों को होता है, इसमें बड़ी बड़ी गांठें, बड़ी बड़ी पिंपल्स, गांठें एक में मिल रही हैं। अब ये जब पिंपल्स ठीक होते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे और दाग छोड़ पाते हैं। तो ये पिंपल्स के टाइप, पिंपल्स के प्रकार हमने इसमें थोड़े में देखे हैं। सर, बहुत ही रोचक तरीके से आपने बताया कि पिंपल्स क्या होते हैं। अब निश्चित तौर पर जब ये युवा अवस्था में हो रही है, जब इसमें युवा अपनी सौंदर्य के प्रति ज़्यादा जागरूक है, तो इससे चिंतित होना ही होना है। तो इसमें पहली बात तो इसके ऊपर हम उपचार क्या करते हैं, और दूसरी बात ये हो नहीं, इसके बचाव हेतु आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो पिंपल्स जब शुरुआत किसी को हो जाते हैं, पिंपल्स होना ना होना अपने हाथ में नहीं, कुछ आनुवंशिक तत्व भी इसमें होते हैं कि कुछ लोग जिनके यहाँ पिताजी माँ को पिंपल्स पहले हैं, उन लोगों को चांसेस ज़्यादा होने के हैं। इसके अलावा पिंपल्स नहीं होना चाहिए ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन पिंपल्स होने के जो कारण हैं, सबसे पहले तो आपने जो डाइट है, डाइट का रोल इसमें पिंपल्स में बहुत सा होता है। तेलीय चीज़ें हैं, ऑयल फूड्स हैं, बाद में जो आप बाहर के प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें जो खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें होती हैं, इनका कुछ ना कुछ हद तक के जरूर पिंपल्स के अंदर इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले पिंपल्स का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, और उसके साथ साथ में जब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो पहले तो ख्याल रखिए पिंपल्स का इलाज कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लिए और ट्रीटमेंट ठीक हो गया। तो बहुत बार हम देखते हैं पिंपल्स का पेशेंट को रिस्पांस नहीं होने से पेशेंट सोचते हैं कि फ़ायदा तो पड़ा नहीं, उसको छोड़ दिया जाए। इसके साथ साथ दवा के साथ साथ जो पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस जो उसमें सलाह दी जाती है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक तो पिंपल्स जो आते हैं उनको बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को होता है ब्लैक हेड आया है, वाइट हेड आया है, अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको छोड़ दो, उसको फोड़ दो। उससे क्या होता है, हमने देखा दाग पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, उसका इलाज बड़ा मुश्किल और बड़ा लंबा इलाज है। दूसरी बात है बालों में तेल वगैरह कम लगाना है, कोई भी ऑयली मेकअप कम लगाना है आपको। तीसरा, धूप से बचना बहुत ज़रूरी है, धूप से कुछ पिंपल्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो पिंपल्स का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें कुछ दवाइयों से पेशेंट को जो है धूप से कालापन या धूप से तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। अब रहा सवाल इसमें ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट इसमें दवाइयों की, लगाने की दवाइयाँ, इसके साथ साथ में पेट में खाने की दवाइयाँ, जो कि डॉक्टर्स जो बताते हैं उसको तरीका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई कब लगाई जाए, कितने समय लगाई जाए, सुबह लगाई जाए, शाम में लगाई जाए, गोलियां खाली पेट ले ली जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ कुछ पेशेंट में साथ में या कुछ 1-1.5 महीने के बाद में केमिकल पीलिंग, लेज़र ट्रीटमेंट और रोलर ट्रीटमेंट का भी रोल इसमें होता है कि जिससे पिंपल्स जल्दी ठीक हुए, उसके दाग जल्दी ठीक हुए और उसके गड्ढे ठीक हुए। जैसा कि हम देखते हैं ट्रीटमेंट के पहले हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है पिंपल्स हैं और बहुत सारी इसमें थोड़े हल्के दाग भी हैं। आप देखोगे कि ये जो ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट 3 से 4 महीने के बाद ही हो सकता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट बराबर ली जाए, जल्दी ली जाए और पूरे समय के ली जाए और जैसे बताए गए तरीके से ली जाए। तो दर्शकों, डॉक्टर संजय जी हमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट होता है, इस बारे में अपने जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं उनसे पूरी सलाह करके उनके निर्देश के अनुसार पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेना है। और साथ में एक जो ज़रूरी चीज़ है वो धीरज और धैर्य की है, और अगर ये सब चीज़ें की जाए तो डॉक्टर संजय जी का कहना है इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। सर, जैसे बातचीत में आपने कहा कि उससे निजात पाने के लिए एक नेचुरल जो वृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उसको दबा दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, और आपने कहा कि वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, और अगर हो जाए तो उसके ऊपर हमने क्या उपाय करना चाहिए? इसका सबसे मेन तो जो इसकी वजह और इससे जो होने वाला जो चीज़ है, खड्डे पड़ना। जैसे हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट है, इनको पिंपल्स आने के बाद में गड्ढे यहाँ देख रहे हैं, स्कार्स बोलते हैं इसको, एक्ने स्कार्स। मुझे लगता है करीब करीब 50-60% नॉर्मल लोगों को भी वो सोचते हैं पहले कि मुझे पिंपल्स आए थे, गड्ढे रहेंगे, दाग रहेंगे, और सोचते इसका तो इलाज अब करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसकी। लेकिन इस एक्ने स्कार के लिए आजकल डर्मा रोलर, केमिकल पीलिंग और लेज़र, अलग अलग तरह के लेज़र जो भी आए हैं, नई नई जो विधियाँ आई हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन इसमें 3-4 महीने का पीरियड लग सकता है और इसमें रिज़ल्ट इस तरह के काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो जो लोगों को पिंपल्स आके ठीक हो भी गए और स्कार रह गए, उन लोगों के लिए भी अब मेडिकल साइंस बहुत से चीज़ें अवेलेबल करने के लिए लेके आई है। दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हमारे में सौंदर्य के प्रति जागरूकता है, जिस तरह हमारे में उसके प्रति उत्सुकता है, पर साथ में ये होना चाहिए कि हमारे पास में उस विषय संबंधित सही जानकारी होनी चाहिए। हमारे मित्रों ने कहा या पुराने समय से जो चीज़ें करते आ रहे हैं उस तरह के, जैसे सर ने कहा है कि कुछ एक दवाइयाँ होती हैं उनका अपने मन से प्रयोग न करें, कुछ घरेलू जो दवाइयाँ होती उनका भी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही उपयोग करें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम का हमको सामना करना पड़ सकता है। सर, इसी तरीके एक बहुत कॉमन समस्या होती है, कई लोगों के चेहरे पे ऐसे गहरे दाग दिखते हैं, खासकर महिलाओं के, और निश्चित तौर से उससे वो उनको भी पसंद नहीं और देखने में भी ठीक नहीं लगते हैं। तो ये समस्या है क्या, इससे हम लोग किस तरह से निजात पा सकते हैं? मुझे लगता है सारी महिलाओं को इस चीज़ के बारे में, इस बीमारी के बारे में, दाग के बारे में बड़ी चिंता और बड़ी उसके बारे में घबराहट होती है कि किस चीज़ से ये होता है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें, इसको हिंदी में झाइयाँ बोलते हैं, मराठी में वांग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो कत्थे कलर के जो दाग दोनों गालों पे, नाक पे, होठ पे और आँखों के ऊपर भी देखे जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में मेलाज़मा बोला जाता है। ये स्त्रियों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कभी कभी जो है ये पुरुषों में भी पाया जाता है। पुरुष वर्ग में जो मेलाज़मा और जो वांग होता है वो ज़्यादा करके जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जो बाहर ज़्यादा जाते हैं, अप डाउन करते हैं, उन लोगों को दिखता है। और महिलाओं में जो है ये ज़्यादा करके प्रेगनेंसी में और जो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक कोई दवाइयाँ ले रही हैं, हार्मोन्स की दवा ले रही हैं, उनमें ज़्यादा करके पाया जाता है। अब रहा इसमें ट्रीटमेंट, बहुत से लोग समझते हैं कि वांग तो एक बहुत स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका कोई इलाज ना करना चाहिए, ना कोई अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, और ये मेलाज़मा का, वांग का ट्रीटमेंट जल्दी करने से और समय पे करने से पूरी ठीक होने की इसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें ट्रीटमेंट जो होता है, सबसे पहले तो धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें भी जो 2 या 3 तरह की क्रीम्स और कुछ दवाइयाँ होती है, और इसके साथ साथ में या इसके बाद में केमिकल पीलिंग और भी तरह के लेज़र ट्रीटमेंट और भी नए नए तरीके के जो केमिकल ट्रीटमेंट होती है वो इसमें अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों से 2-3 महीने में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस हो सकता है। सर, विषय को अगर इसी से बढ़ाया जाए तो जैसे ये कुछ हमने विशिष्ट वर्ग में देखा है कि चेहरे पर जिस तरह बदल झाइयाँ हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा चेहरा काला स्याह हो गया है, ऐसे लोगों का ये जो चेहरे पे जो गहरे धब्बे होते हैं, इसका कारण क्या है और फिर से इसके ऊपर उपाय क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों में कालापन बहुत जल्दी आ रहा है। आप भी देखते होंगे सारे यंगस्टर्स जो है, यंग लोग हैं, पूरे चेहरा बांध के निकलते हैं, जो देखो वो चेहरा बांध रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो धूप
जो धूप अब जो हमारे यहाँ जो पड़ रही है उसका जो चेंज हो गया है, उस धूप में जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट का जो एमिशन है उसका जो परसेंटेज है जो स्किन के लिए हानिकारक है वो बहुत बढ़ चुका है। इस कारण ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन में आने से काले दाग और कालापन बढ़ने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक बहुत कॉमन एक सामान्य चेहरा है कि जो हम लोग के यहाँ जो विदर्भ में रहने वाले लोगों का इस तरह का चेहरा दिखता है। इनका कहना है कि मेरा चेहरा जो मैं पहले से गोरा था अब मैं बहुत काला हो गया है। इसमें ऐसा है कि ये रोज़ 10 से 12 किलोमीटर अपने स्कूटर से कहीं बाहर जाते हैं और रोज़ आते हैं, पूरा समय धूप में रहते हैं, हेलमेट पहनते नहीं हैं, क्या पहनना इनको पसंद नहीं है। तो इतने सालों से करने से इन लोगों को इनको ये चेहरा काला हुआ है। दूसरा, इसमें आप गौर करिए कि इसमें जो काला जोपन जो दिख रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो कालापन ये गालों पे दिख रहा है। इस कालेपन में खास बात यह कि थोड़ा मखमली रूप में है। इस तरह का कालापन होठ के बाजू में, इसके अलावा गर्दन के बाजू में यहाँ भी देखा जा सकता है। इस तरह का जो कालापन है इसको ये मोटेपन से, वजन बढ़ने से, थायराइड से और डायबिटीज से भी हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरह के कालापन जो चेहरे पे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा करके कोई हेयर डाई या कोई कॉस्मेटिक्स गलत तरीके का लगाया हो, या खुद होके कोई गोरापन की क्रीम लगाई हो, किसी को वीक्स और बाम लगाने की आदत हो, कोई गोलियाँ कोई खा रहे हो, इन सारी चीज़ों से इस चीज़ का दाग होने का संभावना होती है। इसमें एक बात अच्छी है कि ये जो दाग हैं धूप से, हार्मोन से, इनसे जो हुए दाग, इनमें ठीक होने का पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रीटमेंट इसमें दवा से ज़्यादा जो बाकी जो प्रोसीजर्स होती हैं उसका रोल इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। दर्शकों, एक इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा सर ने हमें कहा है कि कई लोगों में कालापन इसलिए आ रहे हैं कि उन लोगों ने गोरेपन की क्रीम लगाई है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैसेज हमें मिलता है कि जो बाज़ार में विज्ञापित जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, खास करके गोरेपन की क्रीम, और युवा वर्ग में इसके प्रति जो एक जुनून है, एक क्रेज़ है, इससे बचें। और दूसरी चीज़ है कि जिस अल्ट्रावायलेट किरणों का रेज का डॉक्टर संजय जी उल्लेख कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे आसपास के वातावरण में बढ़ता प्रदूषण, जिस तरह से ओजोन की जो हमारी परत है, लेयर है, कम होती जा रही है, तो सूर्य की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है और खासकर त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सर ने उल्लेख किया कि विदर्भ में हम जिस गर्म प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस गर्मी को और धूप को तो हम कम नहीं कर सकते, हाँ इससे ज़रूर बचाव कर सकते हैं और करना चाहिए। एक बहुत दिलचस्प चर्चा त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर जारी है, साथ में हमारे एक्सपर्ट उपस्थित डॉक्टर संजय जी अग्रवाल, बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।